हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यहाँ पर थ्री जेंटल बॉयज का पार्ट टू एक्सप्लेन होगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है इचाया अपने अपार्टमेंट के लिए आ रहा था। तब यहाँ पर मीडिया वाले थे, उसे लग रहा था कि मीडिया वाले किसी और के लिए होंगे, लेकिन जब इचाया गाड़ी से बाहर आता है तो सारे मीडिया वाले तो उसी को पकड़ने लगते हैं। इसी बात की वजह से इचाया को जल्दी जल्दी करके वहाँ से भागना पड़ता है। और उसके बाद ये रीज़न ये था कि जो केओ के साथ वाला वीडियो बहुत वायरल हो गया था, उसके पापा का, उसके मम्मा का जो तमाशा बना था ना, तो सब लोग पकड़ रहे थे उसे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीधा घर पे। यहाँ पर इचाय की मॉम, देखो गाइस, मुझे लगा था ये स्टेप मॉम होंगी, लेकिन ये इचाय के असली मॉम है, और जो जिसको वो मॉम बोलता है ना, वो उनकी स्टेप मॉम है। तो घर पर चला जाता है वो अपनी मॉम वाले घर पर। यहाँ पर तीनों भाई थे, और यहाँ पर उसकी मॉम ट्राई कर रही थी कि अपने बेटों के साथ बहुत अच्छे से रहे, मतलब उनको ना थोड़ा सा उनके साथ घुल मिल जाए, लेकिन ये काम कर नहीं रहा था। इतना बोलता है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि अभी मेरा जो अपार्टमेंट है रिनोवेट हो रहा है। फिर बोलता है कि रिनोवेट हो रहा है सच्ची में? सीधा सीधा ये बोलो ना, तुम्हारे अपार्टमेंट को कुछ लीगल इश्यू हो गया इसलिए आए हुए हो, ऐसा वो बोलता है। और यहाँ पर फिर बोलता है कि मैं तो यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस यहाँ से थोड़ा नज़दीक पड़ता है, इसीलिए कुछ टाइम तक रहूँगा। और उसके बाद उसकी मॉम आरती की तरफ देखती है, आरती बोलता है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह है ही नहीं। और ये सुनने के बाद इचाया हंसने लगता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन। यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि ऐसे इचाया तुम्हारे पापा का सीन क्या है, मतलब वो वीडियो में वो लड़की कौन थी? ये सुनने के बाद इचाया थोड़ा सा मतलब गुस्से में आता है उसे याद करके केओ को। और उसके बाद सीधा आया इचाया सीधा केओ के घर पे जाता है। केओ इचाय को देखने पर तो डर जाती है, वो पूछती कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर इचाय की मैम उसके लिए पानी सानी लेके आती है। और उसके बाद वो बोलती कि ये बोल रहे थे कि तुमसे मिलना है, और क्या तुमसे क्या काम है? तभी यहाँ पर इचाय बोलता है कि हाँ कुछ काम है, आपको भी जानना ज़रूरी है। यहाँ पर केओ डरने लगती है, वो डर रही थी कहीं ये उसकी बहन का, एक्चुअल में तो उसकी बहन का अफेयर था उसके पापा के साथ, लेकिन अब इचाय को लगता है उसका अफेयर है उसके पापा के साथ। अगर ये बात पता चली तो उसकी मॉम को प्रॉब्लम हो जाएगी हेल्थ इश्यू। तो वो बोलती है नहीं 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 मॉम, मैंने इनसे पैसे लिए थे, ऐसा वो बोल देती है। और इचाय बोलते कि हाँ काफ़ी ज़्यादा पैसे लिए थे। उसकी मॉम बोलती कि तुमने इतने सारे पैसे क्यों लिए? वो कुछ भी बोल नहीं पाती, और वो बोलती कि जो भी बातें ना हम बाहर करेंगे। यहाँ पर इचाय बोला था नहीं नहीं तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ के साथ ही बात करेंगे ना। लेकिन यहाँ पर केओ जैसे तैसे इचाय को खींच के बाहर ले आती है और बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने बोला ना मेरा और तुम्हारे पापा का कोई रिश्ता नहीं है, तुम जैसा समझ रहे ऐसा नहीं है। लेकिन इचाय अब थोड़ी यकीन करेगा, उसने तो कुछ और ही देखा था, और नॉर्मली लोग जो देखते हैं उसी पर भरोसा करते हैं, और इचाय का तो कैरेक्टर ही ऐसा था। और उसके बाद वो बोलते कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पर इचाय बोलता है तुमने जो कांड किया है, जो तुम अभी यहाँ पर, तुम्हारी मम तो काफ़ी सीधी साधी देखती है, लेकिन उनको भी पता चलने जाए ना उनकी बेटी का जो संस्कार कैसे है, वो क्या कर रही है, वो किसी और के हस्बैंड के साथ डेट कर रही है, वो सब तो पता चलने चाहिए। वो बोलती कि मेरी मॉम का इसमें कोई भी ताल्लुक नहीं है, और कोई ज़रूरत नहीं मेरी मॉम को बताने की, प्लीज़। वो बोल रही थी, लेकिन इचाय बोलता कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी मॉम को बता रहा हूँ ये सारी बातें। यहाँ पर वो बोलती कि नहीं 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 प्लीज़ मत बताना, और मैं कितनी बार कह चुकी हूँ मेरा तुम्हारे पापा का कुछ भी नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तब यहाँ पर वो बोलते कि तुम्हें लगता है कि तुम बोलोगी और मैं समझ, मैं यकीन कर लाऊँगा तुम्हारे झूठी बातों पर ना, शायद मेरे पापा भरोसा कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं। और यहाँ पर इचाय बोलता है कि मुझे ना तुमसे पैसे वापस चाहिए। वो बोलती कि पैसे, मैंने तुमसे कौन से पैसे लिए? तो वो बोलता है कि ऑब्वियसली मेरे पापा को डेट कर रही है, तो तुम्हें तो अपॉइंटमेंट मिला होगा, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया होगा ना, तो मुझे वो सब कुछ वापस चाहिए, ऐसा वो बोल देता है। क्यों और परेशान हो जाती है बेचारी एक तो, अगर कोई बात की फंस रही है, और उसकी बहन, अगर अब देखो खुद की बहन का नाम लेगी तो बहन प्रॉब्लम में आ जाएगी, बहन का तो करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन एक बंदा जो बार बार उसके पापा की मिस्ट्रेस बोल रहा है उसे, क्यों उनको ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अब क्या करना है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इचाय की मॉम उसे कॉल करती है, यानी कि स्टेप मॉम जिनसे वो बहुत प्यार करता है, वो बोलती है कि तुम्हारे पापा फिर से कहीं गए, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ, मुझे लगता है वो उसकी मिस्ट्रेस के पास चले गए। सुनने के बाद इचाय बोलता है कि ठीक है मॉम मैं आ रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। वो उसे आखिरी बार बोलता है कि मेरे पापा से दूर रहो। हमें दिखाया जाता है कि वो उसकी बहन का कॉल आता है, वो उसे मिलने के लिए आ रही थी, और उसने प्रॉमिस किया था कि उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ेंगी, मतलब इचाय के पापा से, और उसे रिलेटेड बात करने के लिए वो उस होटल में चली जाती है, और साथ में इचाय भी वहीं पर पहुँच जाता है। तो अब उसे पता था ना कि
उसके पापा यहीं पर आने वाले, तो फिर से एक बार देख लिया बंदे ने, और उसे बहुत गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम तो बोल रही थी तुम मेरे पापा से कोई ताल्लुक नहीं रखती, और यहाँ पर आ गई फिर से मेरे पापा से मिलने, तुमने प्रॉमिस तोड़ा, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, चुपचाप चलो, बोल के वो उसे अपने साथ लेके चला जाता है। और यहाँ पर गाड़ी में दिखाया जाता है, वो पूछ रही थी कि तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो, यहाँ पर इसे बोलता कि डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ सोने वाली नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास ले जा रहा हूँ। वो बोलती कि इसमें मेरी मॉम की क्या गलती है, और मैंने कितनी बार बोला है तुम्हारा तुम्हारे पापा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुम्हारे पापा के मिस्ट्रेस हूँ नहीं। तब यहाँ पर वो उसे बोलती कि तुम अगर सच्ची में अगर मैं तुम्हारे पापा के मिस्ट्रेस होती तब भी तुम मुझे इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर इशारा बोलता है कि जिन लड़कियों का ना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता उनके साथ तो कुछ भी किया जा सकता है, और तुम ऐसी हो बस पैसों के लिए अपनी बॉडी बेचती हो, ऐसा वो बोल देता है। यहाँ पर वो बोला था कि आज तो तुम्हारी मम्मा को सब कुछ पता चलनी चाहिए, और यहाँ पर क्यों डर जाती है, वो स्टेयरिंग घुमा देती है और गाड़ी ठोक जाती है। यहाँ पर इचाया आँखें खोलता है और इधर देखता है, वो तो ठीक था लेकिन क्यों के सर से खून आ रहे थे, और यहाँ पर वो डर जाता है। लेकिन यहाँ पर क्यों का वो मतलब क्यों अपने घाव पे थोड़ा सा फर्स्ट एड करती है, और उसके बाद वो उसे बोल रहे थे कि प्लीज़ मेरी मम को मत बताओ, मैंने बोला ना मैं तुम्हारे पापा की मिस्ट्रेस हूँ नहीं, और अब ये तो बोल नहीं सकती कि मेरी बहन है तुम्हारे पापा की मिस्ट्रेस। वो काफ़ी ज़्यादा फंस चुकी थी, वो बोला था कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पे भरोसा करने वाला हूँ, तो यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हारी माँ को ना पता चलनी चाहिए उन्होंने कैसी बेटी पैदा की और कैसी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया है, ऐसा बोला था। यहाँ पर वो रोने लगती है, बोलती कि अगर मेरी माँ को पता चलेगा तो वो सह नहीं पाएंगे, मैं भी वो सर्वाइव भी नहीं कर पाई, प्लीज़ मत बताओ, बल्कि वो रोने लग जाती है। वो बोलता है कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी ये मगरमच्छ की आँच देख के पिघल जाऊँगा, लेकिन वो रो रही थी उसे बुरा लग रहा था। वो बोलता है कि अब चुपचाप चलो, बोल के उसे ले जाता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इचाया कि स्टेप मॉम जिस जिनको वो बहुत प्यार करता है वो अपने पति को मार रही थी, सुना रही थी, अब यहाँ पर वो कल रात कहाँ था इसी बात के लिए उसे क्वेश्चन कर रही थी। वो बोले थे कि नहीं नहीं मैं तो कल रात तो ऑफिस पे था, लेकिन अब ऑब्वियसली वो बंदा इतना बड़ा लड़की बाज था कि कहीं भी रैंडमली चला जाता था। यहाँ पर इचाया की मॉम और इचाया भी आ जाते हैं, और यहाँ पर इचाया को इचाया की मॉम बोले थी कि आज ना तुम हमारे साथ डिनर करो, लेकिन वो बोलता कि मैं बेहद बिजी हूँ, और वहाँ से चला जाता है। इचाया की स्टेप मॉम बोलती कि अगर मैं कुछ बोलती हूँ ना इचाया को तो वो तो कभी मना नहीं करता, काफ़ी बदकिस्मत माँ हो तुम। तब यहाँ पर वो बोलते कि तुम्हें क्या है, तुमने उसे पैदा किया है, मैंने उसे पैदा किया, वो मेरा बेटा है, और तुम ऐसा एक मत करो कि वो तुम्हारा असली बेटा है। लेकिन यहाँ पर उसकी चुप मम बोलती कि लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम तो बस कहने के लिए माँ हो, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ऐसा था कि चाय की मम कहीं चली गई थी और बाद में वापस आ गई, तो इस टाइम पर उस चुप मम ने शायद चाय को बड़ा किया होगा, ऐसा ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि चाया ने ऐसा सोचा हुआ था कि आपको क्या लगता है आप वापस आएंगे सडनली और मैं आपको माफ़ करूँगा, ऐसा उसने हुआ था। नेक्स्ट सीन में क्यों अपनी सिस्टर का इंटरव्यू देख रही थी और काफ़ी ज़्यादा खुश थी, अपनी मॉम को बोल रही थी देखो मॉम आप बोल रही थी कि वो नहीं कर पाएगी, लेकिन ये इतना ज़्यादा फेमस हो गई, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ अपनी बहन के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है शायद उसकी मॉम उसकी बहन का एक्ट्रेस बनने से कुछ खास खुश नहीं थी और वो काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रही थी। साथ में हमें इचाया का इंटरव्यू भी दिखाया जाता है, तो इचाया का ना एक मीडिया हाउस था और उसी पे वो एज एन एक्ट्रेस थी, तो ऑब्वियसली उसी टाइम पे उसके पापा के साथ उसका अफेयर हो गया। यहाँ पर वो बोलती कि ये तो वही है ना जिसके साथ तुमने पैसे लिए थे और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, तो यहाँ पर क्यों बातों को कवर करने के लिए बोलती कि मैंने बस उससे थोड़े से पैसे लिए और वो उसी कंपनी का मालिक है जो जहाँ पर मेरी बहन यानी कि कैन काम करती है, ऐसा वो बोल देती है। तो यहाँ पर ना कैन को कैन मैसेज करती है केव को, ये बोलती है कि मैंने उससे रिश्ते तोड़ने की ट्राई किया लेकिन वो मुझे बार बार कांटेक्ट कर रहा है, वो बोलती है कि उसका लोकेशन मुझे भेजो और मैं उससे बात करूंगी। और उसके बाद इचाया को दिखाया जाता है, वो पूछता है कि पापा कहाँ है मम्मा कहाँ है, तो वो बोलते हैं अपनी मॉम कहीं चली गई है और आपके पापा को अभी अभी हमने होटल पर ड्रॉप किया, तो उसे श्योर हो जाता है कि फिर से वही मिस्ट्रेस से मिलने के लिए चले गए हैं उसके पापा। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है केव एक्चुअल में ऑनेस्टली मतलब सिंपल वे में ये बोलने के लिए आई हुई थी कि मेरी बहन से दूर रहो, लेकिन यार थर्की पिता थर्की फादर वो ऐसा बोलने लगते हैं कि अगर तुम्हारी बहन के साथ मेरा कुछ नहीं हो सकता तो क्या तुम्हारे साथ मेरा कुछ हो सकता है, ऐसा बोल के उसके साथ उसके हाथ को ऐसे अपने पास खींचने की ट्राई करते हैं। इन केस गाइस इसी मोमेंट पे इचाया आ जाता है और फिर से उससे इसने बोला था इसका कोई रिश्ता नहीं है और ये क्या है, और उसके पापा तो उसे देख के शौक हो जाती है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि इचाया क्या करेगा केव के साथ और अपने पापा और जो उसकी ख्याली मिस्ट्रेस वाला जो कंसेप्ट है उसको दूर करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।